ये भगवान कितना मना करूं इनको, हमेशा गीला कपड़ा बेड पे पड़ा रहता है। तू भी ऐसे हो गया है तेरे बाप जैसे। हाँ नौकरानी घर पे जो रखा है। बेटा जा तो दरवाजे पे कौन है देखिए ना। कल मम्मी भूल गई थी ताला लगाना मेन गेट पे। अरे दीदी अंदर आइए ना। अरे ऐसे कैसे भूल जाऊं, मैं हर रोज ताला लगाती हूँ, आपको पता है ना। एक्चुअली मैं इनका कल नाइट ड्यूटी था, सुबह 4 बजे लौटे हैं, इसीलिए मैं सुबह जाके ताला खोली। आप शायद बाद में उठे होंगे इसीलिए आपको लगा होगा कि मैं ताला लेती हूँ। वैसे आज सुबह सुबह कैसे आना हुआ? 6 तारीख हो गई आज। हाँ अच्छे से याद है, आज शाम को ही आपके घर आने वाली थी मैं। नहीं मैंने सोचा आप भूल तो नहीं है, याद दिलाना थोड़ा किराए का। अरे दीदी ऐसे कैसे बात करते हो, हम खाना भूल जाएंगे मरना भूल जाएंगे, लेकिन भाड़ा देना आज तक कभी भूले हैं क्या? आप खुद ही बताइए, हर महीने टाइम टू टाइम ही देते हैं हम। वो तो इस बार इनका सैलरी थोड़ा देर में आया तो मैं सोच रही थी आज ही दे हूं। और आप भी आज मांगने आ गए, मेरा मतलब क्या याद दिलाने आ गए। दीदी एक बात कहनी थी, उस दिन मोटर चल गया था ना तो इन्होंने मैकेनिक लाके ठीक करवाए थे तो। नहीं मैंने तो पहले ही बोला था ना ये मोटर वोटर जलेगी तो आपको ही पैसे देने। हाँ हाँ कोई बात नहीं कोई बात नहीं, वो तो होता ही है, अपना घर ही है। कंजूस के की सारा पैसा हमें ही देना पड़ता है। आप अपना अपना एरिया साफ कर लेते हो, ये सामने वाला छोड़ देते हो, सीढ़ियों पे भी थोड़ा झाड़ू लगाया करो ना। नहीं नहीं दीदी आप ऐसे कैसे बोल रहे हैं, मुझे तो साफ सफाई कितना पसंद है आपको पता ही है, मैं हमेशा झाड़ू मारती हूँ। लेकिन वो सामने में जो आप रेंट में रखे हैं ना हमारे वहाँ सामने में, उनके बच्चे लोग, मैं हर दिन सफाई करती हूँ, हर दिन गंदगी फैलाते हैं, आप थोड़ा उनसे बोलिए ना। नहीं नहीं दीदी ये मत बोलिएगा कि मैंने कहा है। ये क्या खुशबू आ रही है आपके किचन से, वेज ही बनाते हो ना आप? दीदी ऐसे कैसे बोल रहे हैं, हम प्योर वेजिटेरियन है, आप तो जानते हैं ना, वो तो मलाई मारी थी, घी बना रही हो ना। बहुत मेहमान आते हैं ना आपके यहाँ? हमारे यहाँ मेहमान नहीं दीदी, हमारे यहाँ मेहमान नहीं आते, मैं सारे मेहमान को टैग करती हूँ नॉट अलाउड। शोर बहुत होता है। वो तो सामने में जो रहते हैं ना उन्हीं के यहाँ आते हैं, आपको लगा होगा हमारे यहाँ आते हैं। थोड़ा ना ऐसे धीरे बोलो तो सही रहता है, क्या इसके पापा से जग जाते हैं फिर डिस्टर्बेंस होता है ना। हाँ दीदी वो तो डिस्टर्बेंस होता ही है, इसके पापा भी सो नहीं पाते इतना काम करते हैं, और हमको बोलने से हम क्या करेंगे दीदी, आप थोड़ा जाके बोलिए ना हमको। और यहाँ पे कितनी धप धप की आवाज आती है, ऐसे पूरा जैसे कोई कूद रहा है ऊपर से, थोड़ा ऐसे ना धीरे धीरे मतलब वॉक करना चाहिए ना, ऐसा धप 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 धप, ऐसे लगता है छत ही नीचे गिर जाएगी। ऐसा क्या दीदी, पर हमारे घर में बर्तन भी गिरता है तो आवाज नहीं आती है, और हम चल के काम नहीं करते हैं, रेंगते हुए काम करते हैं, इतने साल से रह रहे, बताओ उन पता नहीं होगा क्या नीचे भी आवाज जा रही होगी। वो सामने वाले घर में जो रखे है ना रेंट पे वही होंगे, अब नीचे रहते ना दीदी इसीलिए पता नहीं होगा कौन सा। दीदी एक बात पूछनी थी आपसे, वो मेरा बेटा का बर्थडे आ रहा है ना तो एक छोटा सा फंक्शन रखनी थी, हम दोनों सोच रहे थे कि आपका छत इतना बड़ा है तो यहाँ पर थोड़ा सा अरेंजमेंट कर ले। नहीं नहीं अगर आप हाँ कहेंगे तभी हम करेंगे। नहीं छत तो बड़ी है, छत तो बड़ी है पर ऐसे फंक्शन नहीं करने दे सकते ना, कितना कचरा हो जाता है, साफ सफाई कौन करेगा, फिर वो गैस की काली पूरा कढ़ाई में वो तेल छींटे इधर उधर, इसके पापा तो नहीं मानेंगे। नहीं नहीं कोई बात नहीं, समझती हूँ मैं, खुद का घर तो खुद का घर ही होता है, और किसको अच्छा नहीं लगता खुद का घर साफ सफाई रखना, हम बाहर कहीं देख लेंगे और कहीं। सामने से कपड़े मत डाला करो ना, वो क्या ना शो खराब हो जाता है पूरे घर का। हाँ दीदी समझ गई, इसके पापा को मैं कब से बोल रखी हूँ कि घर में ही खोखा लाने के लिए, मैं सुखा देंगे फैन के नीचे सूख जाएगा, और वैसे भी बिल तो हमें ही भरना है। सामने वाले जो घर रहते ना उनको थोड़ा बोल देते तो अच्छा होता, वो तो बैलकोनी छोड़िए दरवाजा खिड़की हर जगह सुखाने लगते हैं, वो एक्चुअली पीछे रह जा रहे हैं ना, हम शायद देख नहीं पाते होंगे, वो पीछे वाला का शो खराब नहीं हो जाएगा। दीदी जा रहे हो? दीदी आप अभी आए थे चाय पानी ले पिया और जा रहे हो, बेटा दरवाजा बंद कर देना। हाँ दीदी शाम को ही आऊंगी।